देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, मान लो अलग अलग तरीके से देखते हैं ना, केस वन, और जब इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ रहे हो तो वेव फ्रंट को दिमाग में रखो, ये वेव फ्रंट के बिल्कुल सेम है। वेव फ्रंट क्या होता था? वो सरफेस जिस पे फेस सेम रहता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस पे पोटेंशियल सेम रहता है, बिल्कुल सेम है। बाकी अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी इस तरह से ना, तो बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, है ना। मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पर 10 वोल्ट है पोटेंशियल, तो यहाँ पे जितने भी ऐसे सरफेस हो गए ना, इस पूरे सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल? 10 वोल्ट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है तुम्हारा? प्लेनर। यहाँ पे कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है? प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आई क्या? मतलब इस प्लेन पे तुम इधर उधर कहीं भी मूव कर लो, पोटेंशियल 10 वोल्ट ही मिलेगा। अब इसके थोड़े आगे चले जाओगे तो से पोटेंशियल तुम्हारा 4 वोल्ट हो गया। अब यहां पर कहीं भी मूव करोगे, ये तुम्हारा दूसरा गेन है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर से इधर मूव करोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये 10 वोल्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आगे गए तो पोटेंशियल ड्रॉप करा। ये 4 वोल्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जैसे हर जगह एक ना एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैसे होंगे वो? प्लेनर। समझ में आ रहा है ना? अरे लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन ही तो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा। आ रहा है समझ में? लिखो इसे फटाक से पहले बड़े आगे। तो एक मैं चार्ज को मान लो यहां पे रखा है, इस चार्ज को इस तरह से इधर उधर घुमाऊंगा, तो उसमें कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं करना, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? क्यू इंटू डेल वी। अरे वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा ना, अगर स्लोली मूव कर रहे हो तो। और डेल यू क्या होता है? क्यू इंटू डेल वी। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेल वी क्या होता है? अरे पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को स्लोली मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा इस सरफेस पे। पर तुम आगे पीछे लेके जाओगे तो दिक्कत होगी, यहां पे रख के छोड़ दोगे तो अपने आप आगे जा रहा होगा मान लो, तो तुम्हें आगे जाने से रोकना पड़ेगा, तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और पीछे ले जाने में तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही होगी। आया समझ में? ठीक है, और लिखो केस टू लिखो फिर। अच्छा, यहां से ये भी समझ गए होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्यों, ऐसा क्यों? अरे डेफिनेशन ही वहीं से निकाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते तो पोटेंशियल चेंज नहीं करता, उसी को हमने सरफेस बोला, तो अब उसके तो परपेंडिकुलर होगी ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? चलो पॉइंट चार्ज देखो। पॉइंट चार्ज मान लो एक पॉइंट चार्ज दिया यहाँ पे प्लस क्यू, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है? अरे सर्कुलर भाई, 3D दुनिया है, स्फेरिकल। हाँ, रेडी रे आउटवर्ड, स्फेरिकल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आती है। तो बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा क्या? प्रूफ करें मैथमेटिकली। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे आता है भाई? के क्यू बाय आर। तो अगर मुझे सेम पोटेंशियल चाहिए, मतलब वी को क्या कर देंगे? कॉन्स्टेंट। वी को कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट, अगर वी भी कॉन्स्टेंट कर दिया तो आर क्या हो जाएगा? मतलब अगर सेम वी चाहिए तो एक सेम आर चाहिए मेरे को, और वो सारे पॉइंट जो सेम आर पे लाई करते हैं क्या? स्फीयर पे। आ रहा है समझ में? तो से यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये तुम्हारा क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़े आगे चले जाओगे तो से 3 वोल्ट हो गया, ये भी क्या है? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है, ऐसे आते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। तो तुम्हें इस स्फेरिकली इस सरफेस पर मूव करने पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल है, इधर जाने में या फिर वापस आने में वर्क करना पड़ेगा। आया क्या समझ में? तो जब पॉइंट चार्ज होगा तो कैसा सरफेस है तुम्हारा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो कोई डाउट है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी रेडियली आउटवर्ड है,
और उसके परपेंडिकुलर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बिल्कुल वेव फ्रंट्स की तरह पॉइंट सोर्स होता था तो रेज रेडियली आउटवर्ड जाती थी, वेव फ्रंट स्फेरिकल आते थे। चलो केस थ्री लिखो, क्या होगा बताओ केस थ्री। क्या लेंगे? लाइन चार्ज है ना, लेते थे ना। यूनिफॉर्म वायर लैम्डा होता था जिसपे चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म वायर, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती है? इसमें भी रेडियली आउटवर्ड आती है पर ये टू डायमेंशनली आती है ना, मतलब एक्स और वाई प्लेन में ऐसे ऐसे फर्क होता है थ्री डी के रेडियल और टू डी के रेडियल में। टू डी का रेडियल मतलब प्लेनर, ऐसा थ्री डी का रेडियल मतलब हर डायरेक्शन में। तो इससे जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल, ऐसा। तो इस सिलेंडर पे तुम कहीं भी मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम आएगा, समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो गया? सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। चाहो तो पोटेंशियल भी लिख दो इसके लिए, पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताओ भाई, क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड? इन्फाइनाइट वायर के कारण 2k लैम्डा बाई, ये फॉर्मूले याद रखो, इनके बिना कुछ नहीं होगा। बताओ पोटेंशियल निकालो, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे? आया क्या आया बताओ? ये सही हो सकता है, अगर चेंज इन पोटेंशियल निकाला है तो सही है। ठीक करते हैं, चलो मान लेते तुम ए से कुछ बी पे गए ना, ए से बी पे जा रहे हो, ए आर वन के डिस्टेंस पे है और बी आर टू डिस्टेंस पे, ठीक है। तो डी वी क्या होता है भाई? यहाँ पे क्या ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर यूज़ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे माइनस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। ये यूनिफॉर्म थोड़ी ना है, इसका तो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है हर पॉइंट पे और मैग्नीट्यूड भी देखो आर के साथ चेंज कर रहा है। और देख लो भाई सेम डायरेक्शन में रेडियल है फील्ड भी, तुम भी रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो, तो माइनस ई डी आर। तो डी वी कितना है तुम्हारा? 2k लैम्डा आर डी आर, नहीं आर नीचे, 2k लैम्डा बाई आर, आर इंटीग्रेट कर दिया तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया? ऐसे भी जाने में ना माइनस 2k लैम्डा और आर वन से आर टू, आर ए से आर भी बोल देते, चलो आर वन आर टू बोल दो यार। तो 2k लैम्डा ln आर टू बाय आर वन, तो ए से बी जाने में इतना पोटेंशियल चेंज होगा। और पोटेंशियल फॉल कर रहा है ना तो नेगेटिव भी आ गया, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, तो पोटेंशियल फॉल कर रहा है इस रेट से। ठीक है, देखो अब हम क्या करते थे कि चेंज इन पोटेंशियल निकाल पाते, अगर मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो हम जनरली क्या करते थे? हम क्या करते थे भाई, आर को पोटेंशियल कहाँ जीरो मानते थे? इन्फिनिटी पे। तो मैं कोशिश करूँ, मानने की कोशिश करूँ, चलो ले लेते हैं कि आर टू को इन्फिनिटी मान लेते हैं, चलो ना एट, चलो आर वन को इन्फिनिटी वाला, एट आर वन इक्वल टू इन्फिनिटी मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो मान लेते हैं, आर वन को इन्फिनिटी मान लिया तो ए वाला पॉइंट है तो उसमें पोटेंशियल जीरो हो गया, ये मान लेते हैं इफ़ ऐसा मान लिया करें ना, इफ एट आर। तो देखो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है तुम्हारा डेल वी ए वी, वी वी माइनस वी है तुम्हारा, तो तुम्हारा देखो क्या बन के आ रहा है, वी वी माइनस जीरो इक्वल टू माइनस टू के लेमडा और ये क्या बन गया एल एन जीरो। एल एन जीरो का कोई मतलब होता है तो मतलब ये हमको अलाउ भी नहीं कर रहा है, मतलब हम मानना चाहें हम कहें कि भाई इन्फिनिटी पे जीरो मान लेते तो ये मैथ्स हमको अलाउ भी नहीं कर रही है कि भाई तुम इन्फिनिटी पे जीरो मान ही नहीं सकते, मतलब वगैरह चाह के भी नहीं मान सकते तुम, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, स्फेरिकल के लिए पढ़ा, इतनी सारी चीज़ों के लिए पोटेंशियल निकाला, हर बार हम इन्फिनिटी पे जीरो मानते थे। इनफैक्ट एक पॉइंट चार्ज के लिए भी हम इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं पोटेंशियल, ये लाइन क्या है बहुत सारे पॉइंट चार्ज को मिलकर बना हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो मान लूँ तो मैथ्स कॉलेप्स कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब है इसका मतलब, या फिर कुछ मतलब ही नहीं है इसका,
कुछ मतलब है, मगर वो जब मैथ्स कोलैप्स करती है तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए क्यों कर रही है वो। मैक्सिमम लोग ये बोल के छोड़ देंगे, हाँ बस नहीं आता, गलत है, मैथ्स ने मना कर दिया, ख़त्म। तो क्यों कह रही है, क्यों कुछ आंसर नहीं दे रही है वो यहाँ पे? देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, तुमने क्या बोला, ये लाइन चार्ज कैसा है? इन्फाइनाइट। और फिर तुम आर को जब इन्फाइनाइट कर रहे हो तो डिस्टेंस भी इन्फाइनाइट मान रहे हो, दो चीज़ें एक साथ इन्फाइनाइट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं? अरे तुम बता, तुम्हें अगर एक ऐसा आंसर चाहिए जिसका कोई फिजिकल मीनिंग बनता हो, तो तुम डेटा भी ऐसा रखो जिसका कोई फिजिकल मीनिंग बनता है। तुम बोलो कि भाई इसकी लेंथ आर है और मैं चार्ज को 2R पे रख रहा हूँ, या 1000R पे रख रहा हूँ, या 1 crore R पे रख रहा हूँ, या 1 million R पे रख रहा हूँ, तो आंसर आएगा बिल्कुल ऐसा आंसर आएगा जिसका एक मीनिंग बनेगा। तुम बोलो कि है ना इसकी लेंथ आर है और फिर मैं 1000R पे रख रहा हूँ, तो मतलब फिर तुम्हारा ये वायर इन्फाइनाइट नहीं है और डिस्टेंस इन्फाइनाइट है। या फिर तुम बोलो कि भाई मेरा डिस्टेंस आर है और इस वायर की लेंथ 1000R है या फिर 1 million R है, जो भी है, तो फिर वायर इन्फाइनाइट हो जाएगा और डिस्टेंस इन्फाइनाइट होगा। जहाँ पे तुम दोनों को एक साथ इन्फाइनाइट बोल रहे हो वहाँ पे मीनिंग लूज हो जा रहा है। मैथ्स इसलिए मीनिंगलेस आंसर दे रही है क्योंकि तुम क्वेश्चन ही मीनिंगलेस रख रहे हो, तुमने क्वेश्चन में कोई मीनिंग नहीं रखा, तुम दो चीज़ों को इन्फाइनाइट बोल रहे हो। अरे कंपेयर करो, तुम बताओ उनकी वैल्यू क्या है, उनका रेशियो क्या है, तुम इसकी लेंथ और डिस्टेंस का रेशियो दो, एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा। पर तुम दोनों को इन्फाइनाइट बोल रहे हो, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। भाई कौन सी इन्फिनिटी बड़ी है ये तो बताओ, रेशो क्या है उन इन्फिनिटीज का? ठीक है दोनों इन्फिनिटी, पर उन इन्फिनिटी का रेशो डिफाइन करो। इन्फिनिटीज का रेशो होता है ना पूरा, यही डिफरेंशिएशन लिमिट में हम वही सब करते रहते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी उनके रेशो निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे वाई इक्वल टू 5x है तो वाई बाई एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगा रेशो? वाई मान लो 5x है, अगर x इन्फिनिटी पे जाएगा तो y भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। चलो दो फंक्शन मान लो, y इक्वल टू 5x है, सिंपल सा ले लो, z इक्वल टू 2x है, तो अगर x इन्फिनिटी पे जा रहा है, अच्छा ये तो अगर x को इन्फिनिटी पे लेके जाऊँ तो y कहाँ जा रहा है, z कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y z, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट नहीं आया क्या? ये एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है ना, उसको ही सॉल्व करना तो कैलकुलस है। तो क्या है तुम्हारा y 5x, z कितना है, तो दोनों इन्फिनिटी थे पर उनका रेशो कितना है 2.5। तो तुम इन्फिनिटीज का रेशो डिफाइन करो, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। पर तुमने सीधा इन्फिनिटी बोल दिया, कोई मीनिंग डिफाइन नहीं करा, इसलिए मीनिंगलेस आंसर आ रहा है मैथ्स का। ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि सारी इन्फिनिटी एक जैसी नहीं होती, बहुत सारे तरह की इन्फिनिटीज होती हैं दुनिया में, और ये अपने आप में एक अलग रिसर्च का एरिया है पूरा, जिसमें PhD कर सकते हो तो मैथ्स में जाके, जो अभी भी हम क्लियरली नहीं समझते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था, याद आ गया मुझे, कल आके पूछे थे बहुत सारे बच्चे कि नेचुरल नंबर ज़्यादा हैं या फिर पॉजिटिव इवन नंबर्स, बहुत सारे नेगेटिव को काउंट करने लगे थे। क्वेश्चन में फिर से क्लियर कर देता हूँ, जितने भी दुनिया में नेचुरल नंबर्स हैं जितने भी सारे ले लो, और जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर्स है सारे ले लो, तो कौन ज़्यादा है? पॉजिटिव इवन नंबर्स। क्यों बताओ क्यों? मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ले लो, ऑल नेचुरल नंबर्स, और सेकंड क्या ले रहे हैं अपन, पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो 1 और 2 में कौन ज़्यादा है? अच्छा चलो 1 से 10 तक ले लें, अगर 1 से 10 की बात करें तो नेचुरल नंबर्स कितने हो गए और पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है नेचुरल नंबर्स इवन नंबर से डबल है ना। चलो 100 ले लें अगर तो भी डबल है, 1000 ले लें तो भी डबल है, 1 billion ले लें, 1 trillion trillion quintillion और जितने भी होते हैं। तुम अगर एक डिफाइंड नंबर बोल दोगे, कोई भी तुम नंबर कितना भी लार्ज नंबर डिफाइन कर दो, जितना भी तुम कर सकते हो, 10 power 1000, 10 power crore, जितना भी लार्ज नंबर डिफाइन कर सकते हो, अगर तुमने नंबर डिफाइन कर दिया तो कौन ज़्यादा है? और क्लियरली कितने ज़्यादा हैं? डबल, इसमें कोई डाउट है? पर मैं कह रहा हूँ दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, तो कौन ज़्यादा है और कितने ज़्यादा हैं? जैसे मान लो है ना, मान लो एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज, उसमें हो तुम लोग है ना, मान लो पैसेंजर है बहुत सारे, और बहुत सारे अब वही क्रैश होने वाला है, मतलब गिरने वाला है एरोप्लेन, कुछ भी हो गया, ख़राब हो गया, और वहाँ पे बहुत सारे वो पड़े हैं, क्या पहनते हो? पैराशूट। अब तुम्हें नहीं पता भाई पैराशूट ज़्यादा है, अब तुम्हें पता करना है पैराशूट ज़्यादा है पैसेंजर्स ज़्यादा हैं, है ना, या फिर बराबर हैं, तो क्या तरीका है?
एक तो नॉर्मल तरीका है काउंटिंग कर लो, है ना, अब उतना वक्त नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, सब एक एक पैराशूट पकड़ो और उतरते जाओ। अगर मान लो पैराशूट ख़त्म हो गए और पैसेंजर्स बच गए, मतलब पैसेंजर्स ज़्यादा थे, ऑब्वियस सी बात है सब एक एक लेके जा रहे हैं, और मान लो अगर सारे पैसेंजर्स कूद गए और फिर भी पैराशूट बचे हैं अंदर, तो पैराशूट ज़्यादा है। और मान लो कि आगे जाके कुछ अच्छा आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अतः इसकी बात करेगा ना, क्योंकि देखो आज अपन को क्योंकि आधे घंटे लंच का टाइम, तुम्हारा ब्रेक का टाइम मिल गया हमें, नहीं ये जो ठीक है, तो सुना है ना, तो पैसेंजर जो पैसेंजर्स हैं वो पैराशूट ले रहे हैं और उतरते जा रहे हैं ना, कूदते जा रहे हैं, तो मान लो जब सारे के सारे पैसेंजर्स कूद गए तो तुम्हारे पैराशूट भी ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल देना। तो अगर किसी मुझे देखना है कोई चीज़ बराबर है कम या ज़्यादा है, तो सीधा ही कि पेयर बनाते जाओ, जिन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो उनको एक एक करके कंपेयर करते जाओ। अगर मैं कंपेयर कर दूंगा हर एक को किसी और एक दूसरे के साथ लिंक कर दूंगा और एंड में जाके वो ख़त्म हो जा रहे हैं ना, हर एक को अगर लिंक करते जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो बराबर है, ये बोल सकता हूँ कि बताओ इसमें कुछ गलत है क्या, पहले ये देख लो। अगर हर एक पैसेंजर को एक पैराशूट मिल रहा है और लिंक करते जा रहा हूँ तो इसका मतलब वो इक्वल है, ठीक है, देख लेते हैं ना। नेचुरल नंबर जैसे लिखते हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5, हमें पता है इन्फिनिट में पूरे तो नहीं लिख सकता, पर जितने भी हैं इवन नंबर्स लिखता हूँ मैं, हर एक को क्या करो, जितने भी नेचुरल नंबर उनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। तो मैं लिंक करना चालू करता हूँ क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, तो 1 और 2 लिंक्ड हो गए, 2 और 4 लिंक हो गए, 3 और 6 लिंक हो गए, 4 और 8 लिंक हो गए, 5 और 10। तो देखो हर एक नेचुरल नंबर को मैं एक पॉजिटिव इवन नंबर से लिंक करते जा रहा हूँ, और बताओ ये आगे जाके कभी खत्म हो जाएंगे, ऐसा होगा कि आगे जाके ये खत्म हो गए या ये खत्म हो गए? तुम अगर बोल रहे हो कि ये इवन नंबर्स डबल हैं, तो मतलब कुछ टाइम जाके नेचुरल नंबर खत्म हो जाने चाहिए, मतलब ऐसा अगर पैराशूट पैसेंजर से डबल है, तो मान लो जब कोई एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब कि बताए पैसेंजर्स खत्म हो जाएंगे पर जितने पैसेंजर्स कूदे उतने ही पैराशूट बचे होंगे अगर पैराशूट डबल होंगे, तो यहाँ पे जाके बताओ कभी भी खत्म होने वाले हैं क्या कुछ भी? मतलब तुम हर एक दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर सोचो उसके लिए एक इवन नंबर वहाँ पे होगा, तो हमेशा लिंक कर पाओगे। तो मतलब जो मैंने आर्ग्यूमेंट किया उसमें सीधा कंक्लूड कर सकता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, मतलब जितने भी दुनिया में जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने ही दुनिया में पॉजिटिव इवन नंबर्स भी हैं, एग्जैक्टली बराबर, मतलब दोनों की इन्फिनिटी इक्वल है, उसका कोई रेशियो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 1 है उसका रेशियो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने कहा दुनिया में बहुत सारी तरह की इन्फिनिटीज होती हैं पर ये दोनों इन्फिनिटी बराबर है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली इन्फिनिटी अलग अलग है ना, ई पावर एक्स और एक्स वाली इन्फिनिटी अलग अलग है पर ये बराबर है। अब देखो इसमें कोई वायलेशन कोई कर सके, तो यहाँ पर तुम्हारी फिजिक्स कोलैप्स कर गई, मैथ्स कोलैप्स कर गई ना, फिजिक्स नहीं, नॉट, ये अलाउड नहीं है ना। अच्छा समझ गए ना, एल एन जीरो कुछ होता नहीं, ये तो पता है ना, एल एन जीरो मतलब ई पे कितनी की पावर चढ़ाए कि जीरो आ जाए, ठीक है, एक नोट लिख लो, डिफाइनिंग पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, डिफाइनिंग पोटेंशियल, नोट लिखो एक, डिफाइनिंग पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट बॉडीज इज मीनिंगलेस, डिफाइनिंग पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट बॉडीज, किसी भी तरह की इनफाइनाइट बॉडी हो, डिफाइनिंग पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट बॉडीज इज मीनिंगलेस। मज़ा आ रहा है शालवी पढ़ने में? आ रहा है ना, एक घंटे और क्या मज़ा नहीं आ रहा, मतलब मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, कहना क्या चाह रहे तुम? तो ये देखो तो इसकी बात मान ले रहा हूँ, ये नया है इसकी बात मानता हूँ मैं, ठीक है, नोट कंप्लीट करो, डिफाइनिंग पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट बॉडीज इज मीनिंगलेस बिकॉज डिस्टेंस एंड डायमेंशन ऑफ द बॉडी बोथ कैन नॉट बी इनफाइनाइट एट द सेम टाइम। और इसमें मान लो 4-5 स्टार इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं मिलेगा भी नहीं,
बस यही है तुम्हारे पास अकेला। तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, अपन इन्फिनिटी पे जीरो नहीं मान सकते, तो आर वन डिस्टेंस पे जीरो मान लेते हैं पोटेंशियल को। मैं ज्यूम कर लेता हूँ, इसको रेफरेंस पॉइंट बोल देता हूँ, आर वन डिस्टेंस जो भी है। तो आर वन डिस्टेंस पे जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आ रहा है, वहाँ पर मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो फिर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आर वन पे वी ए पोटेंशियल जीरो बोल दिया, तो क्या आ गया ये, वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस टू के लेमडा एल एन, और आर टू को आर बोल देते हैं कुछ, है ना। तो आर डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया आर बाई आर वन, आर वन तुम्हारा रेफरेंस है ना, तो अब तुम किसी आर टू पे डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफाइन हो गया। तो हम इन्फिनिटी पे जीरो नहीं मान सकते, पर किसी ऑर्बिटरी डिस्टेंस आर पे तो जीरो मान सकते हैं। तो जब भी इन्फाइनाइट बॉडीज आएंगी हम इस तरह से माना करेंगे। सेम एक और क्या इन्फाइनाइट बॉडी होती है अपने पास, इन्फाइनाइट चार्ज्ड सरफेस है ना, इन्फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो यहाँ पे क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, प्लेनर है ना। एक्चुअली जो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं वो कौन क्रिएट करता है, इन्फाइनाइट शीट, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट रहती है, वो डिस्टेंस के साथ भी चेंज नहीं करती और उसका डायरेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से, आर वन पे बोल देते हैं V1 है और R2 डिस्टेंस पे कितना बोल देते हैं V2। तो बताओ क्या आएगा भाई, 1 से 2 जाने में पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा बताओ। अपन ने पढ़ा था ना, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस आर टू माइनस आर वन, तो कितना आ गया वी टू माइनस वी वन, कितना आया तुम्हारा माइनस सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट आर टू माइनस आर वन। अब चाहो तो तुम वी आर वन डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो मान लेना, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा। इन्फिनिटी पे जीरो यहाँ पर भी नहीं मान सकते, देखो इन्फाइनाइट चार्ज शीट के कारण। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल कर्व ऑन एक्स वाई प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल कर्व ऑन एक्स वाई प्लेन। तो कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, कोई भी रैंडम पी पॉइंट मान लेते हैं। सबसे पहले पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, अब पोटेंशियल इन दोनों के कारण आएगा, एक इसके कारण आएगा एक इसके कारण आएगा। इसके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं ना। तो भाई पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, दो चार्जेस के कारण होगा, एक इसके कारण एक इसके कारण, और एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। तो तुम्हें पहले आर वन और आर टू निकालना पड़ेगा है ना, फिर तो आ जाएगा सिंपल के क्यू बाई आर वन प्लस के क्यू बाई आर टू। तो भाई आर वन क्या होगा बता सकता है क्या, कोई तरीका है आर वन बताने का, हाँ बोलो जल्दी से, रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस के क्यू वाई रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई। तो आ गया ना पोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए तो ये वी क्या होना चाहिए तुम्हारा, ये वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए भाई, और कर्व बोलेंगे यहाँ पे, सरफेस नहीं बोलते ना, सरफेस 3D में आता है, 2D में कर्व आएगा। फॉर इक्विपोटेंशियल कर्व, अरे इक्विपोटेंशियल नाम में ही है भाई कि पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, वीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट 10 वोल्ट 5 वोल्ट, जितने वोल्ट का तुम्हें इक्विपोटेंशियल कर्व चाहिए उतना रख देना वीपी की जगह पे। ठीक है देखते हैं क्या इक्वेशन आ रही है, फिर तो तुम्हारी इक्वेशन आ रही है देखो, वन वाई रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर, अरे अपन सही कर रहे हैं ना, हाँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन वाई रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी पी वाई के क्यू, यही आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर है। वैसे को थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिखना है, इक्वेशन आ गई ना एक्स वाई के टर्म में।
देखो क्वेश्चन लिखो, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम इस डायरेक्शन में डी डिस्टेंस ट्रैवल करते हो 60 डिग्री के एंगल पे, फाइंड बी ए माइनस बी वी, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बताओ, पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा, कैसे निकालते हैं, माइनस ई वेक्टर डॉट, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि है ना यूनिफॉर्म है, तो क्या आएगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो बी बी माइनस बी ए कितना हो गया तुम्हारा, ई इंटू डी इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है हाफ, उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा ई डी वाई टू, ये चीज़ क्लियर है। इसमें चलो अगर ऐसा कुछ बना दूं मैं यहीं पर इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर तीन पॉइंट्स बना देता हूँ, ए बी, पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, ए लेंथ है इसके ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फाइंड बी ए माइनस बी बी, बी बी माइनस बी सी एंड बी सी माइनस बी ए, बताओ ये तीनों बताओ क्या होंगे, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे लाइक करते हैं, हो गया तीनों गए इक्वल होंगे, देखते हैं भाई, बी सी माइनस, चलो पहले तो ये वाला कर देते ना, बी सी माइनस बी ए ये क्या होगा माइनस ई ए है ना, ठीक है, बी ए माइनस बी बी ड्रॉप हो रहा है ना, तो पॉजिटिव आएगा ई ए वाई टू, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा एंगल, तो बी बी माइनस बी सी भी क्या होगा ई ए वाई टू, क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो तो ड्रॉप होता है, अपोजिट जाते हो तो राइज होता है, यहाँ पे ड्रॉप पूछा था, यहाँ पे ड्रॉप पूछा था, हमें राइज हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे के डायरेक्शन में पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल कम होता है, पीछे वाले का ज़्यादा होता है। अच्छा एक दो नोट लिख लो है ना, फिर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे और करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगला लिखो, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज इन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो कुछ और सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं, चलो ये एक्सिस भी मान लो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे से 20 वोल्ट है पोटेंशियल, ये डॉटेड लाइन से मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है पोटेंशियल, ये तुम्हारा माइनस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10.0 है, ये 0.0 है, ये 0.10.0 है, एक्स इज इन सेंटीमीटर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, करें क्या, देखो भाई इनका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से प्लेनर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का ऐसी होगी, और दूसरा उसका डायरेक्शन क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल गया मुझे, अब से लिखना है मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो पता चल गया आई कैप है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, डेल वी क्या होता है तुम्हारा ई इंटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तुम्हारी माइनस डेल वी बाय जो भी तुमने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है भाई, 20 माइनस 10 कितना आया 10 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा तुमने 10 सेंटीमीटर करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तुम्हारी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में कितनी आ जाएगी 1 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर आई कैप, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रीजन में, न्यूटन पर कूलम, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या पढ़ा था अपन ने, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन को क्या लिख सकते हो,
ऊपर नीचे मीटर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर, कूलम मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है तुम्हारा, जूल होता है। तो ये आ गया तुम्हारा जूल पर कूलम पर मीटर, और जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, सेम बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट चाहे न्यूटन पर कूलम लिखाओ चाहे वोल्ट पर मीटर लिखाओ, है ना, सेम ही होता है। अब ऐसे भी मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, y एक्सिस ना इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ मैं ना, डॉटेड लाइन से क्या बता रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस से कुछ 37 डिग्री पे, तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है -40 वोल्ट, 0 वोल्ट, 40 वोल्ट्स ये है, और ये डिस्टेंस दिया है कुछ ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, नहीं 40 है ना, 8 सेंटीमीटर कुछ मान लो, डेल वी बाई डी हो रहा है ना, तो 8 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नहीं गलत, एक्स और वाई का तो इंडिपेंडेंट है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। 300 माइनस आई कैप, -300 आई कैप बोलना चाह रहे हो, ये भी गलत है, कितना है बताओ, हाँ ये हो सकता है। देखो इतना तो पक्का है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर होगी, ऐसी कुछ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किस डायरेक्शन में होगी ये कैसे पता करें, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, 40 से 0, 0 से -40, मतलब ये तुम्हारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं भाई, क्लियर सामने लिखा रखा है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बताओ, 40 से 0, तो 40 वोल्ट्स कितनी देर में हुआ, कितनी दूरी पे हुआ, 8 सेंटीमीटर पे 40 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई तुम्हारी, 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या फिर 500 वोल्ट पर मीटर, पर ये तो मैग्नीट्यूड आया है। अब हमें एक्स और वाई में देना है, तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये 37, ये 53, ये भी 37, कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ई का इस डायरेक्शन में आएगा ई कॉस 37, और इस डायरेक्शन में, ये तो हमने वेक्टर में करा हुआ है यार बहुत सॉल्व, तो ई वेक्टर क्या आया तुम्हारा, माइनस ई साइन 37 आई कैप प्लस ई कॉस 37 जे कैप, -5 साइन 37 3/5, कॉस 37, तो ई वेक्टर कितना आ गया तुम्हारा, -300 आई कैप प्लस 400 जे कैप वोल्ट पर मीटर, ये तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ऐसे ही क्वेश्चन थे ना ऐसे भी, मैं जो पूछ रहे थे अभी, तब हो जाएंगे ये सॉल्व तुमसे, बताओ कोई डाउट आ रहा है क्या, ये नोट लिखी लो, लिखो एक नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इज इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ देखो, अब तुम अगर x और y के टर्म डाल रहे हो उसमें, इसका मतलब है जैसे x और y लिया है, तो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, इसका मतलब हो जाएगा हर एक अलग अलग x और y पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, जबकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, हर एक पॉइंट पे सेम होगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तभी तो समय हमारा, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल कैप्ट एट रेस्ट, ऐसे लिखो, ए चार्ज पार्टिकल कैप्ट एट रेस्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन, ए चार्ज पार्टिकल कैप्ट एट रेस्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन सच दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी
इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. स्टेटमेंट नंबर वन. स्टेटमेंट नंबर टू. ए चार्ज पार्टिकल केप्ट एट अ रेस्ट. ए चार्ज पार्टिकल केप्ट एट अ रेस्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन. Always moves in the direction such that potential decreases. Options are true, false, true, false, true. लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं. लो इलेक्ट्रिक फील्ड है. अच्छा वैसे क्रिएट करें, यूनिफॉर्म नहीं करें. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, अब उसका सोर्स क्या है, उससे क्या मतलब? तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना. अरे तो मान लो यार, प्लस क्यों मान रहे हो, यहाँ मान लेना. माइनस क्यों मानना है तो यहाँ मान लेना. तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ही नहीं समझे. एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वो किससे आई उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके हैं क्रिएट करने के. एक इन्फाइनाइट शीट यहाँ पे रख दूँ पॉजिटिव चार्ज की, एक तरीका. दूसरा तरीका है इन्फाइनाइट नेगेटिव चार्ज की इन्फाइनाइट शीट यहाँ पे रख दूँ. इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से क्रिएट हो जाएगी. अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखूँगा, दोनों ही केस में वो यहाँ पे भागेगा पॉजिटिव क्यू चार्ज. तो फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड को किस सोर्स से क्रिएट करा. एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उसके बाद तो चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज. समझ में आ गया? तो चलो स्टडी कर देना. ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली सबसे सिंपल केस है ना. यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज को रखा, ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका पोटेंशियल कुछ इस तरीके से होगा. मान लेते हैं कुछ पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बना लेते हैं. तो मान लो यहाँ पे 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट है. अब बताओ प्लस क्यू चार्ज यहाँ भागेगा कि यहाँ भागेगा, किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में रखेगा. तो जब पॉजिटिव चार्ज प्लस 20 से इधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, है ना, दो पार्ट में बात करते ना. एक बार पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू है ना. तो स्टेटमेंट नंबर टू तो सही हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है. और एनर्जी की बात करें तो जब एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, क्यू इंटू वी. तो यहाँ पर उसकी एनर्जी होगी 20 क्यू, यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी 10 क्यू. तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है. आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? तो स्टेटमेंट नंबर वन भी सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गए, ट्रू, ठीक है. अब एक और केस लेते हैं. मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज रखा है यहाँ पे. माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो क्या भाई ये 20 वोल्ट से 10 वोल्ट पे जाएगा कि 10 वोल्ट से 20 वोल्ट पे जाएगा? तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल. नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है. पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी नेगेटिव वाले की? माइनस 10 क्यू. और यहाँ पर कितनी हो गई? माइनस 20 क्यू. तो यहाँ से जब यहाँ गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी कि इंक्रीज करी? देखो मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज कर रहा है, पर साथ में माइनस साइन भी है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों ही केस में डिक्रीज कर रही है, चाहे पॉजिटिव चार्ज लो चाहे नेगेटिव चार्ज लो. समझ में आ रहा है? चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, ये वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है. पर ये वाला स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू नहीं है. पॉजिटिव चार्ज के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, पर नेगेटिव के लिए गलत है. तो आंसर क्या होगा? ट्रू फॉल्स. एक नोट लिखो फटाक से. पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वेयर एज नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वेयर एज नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू
higher potential. But in both cases, their potential energy decreases. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कॉन्सेप्ट. कोई डाउट हो तो पूछो.